हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ प्लस वन कॉमर्स। अपना इकोनॉमिक्स पार्ट ए चल रहा है बुक का, जिदे चे आप चैप्टर कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उदे चे आपा टॉपिक अज करांगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होंदा मतलब डिमांड चे किन्ना चेंज आया, और डिमांड चे जिहड़े चेंजेस आंदे ने वो केड़े रीजनस करके आंदे ने वो आपा डिस्कस करना है, और किस हद तक चेंजेस आते हैं। सब तो पहला हैगा नेचर ऑफ द कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट की डिमांड किस हद तक चेंज होएगी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट तीन तरह का हो सकता है, पहला है नेसेसरीज, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है लग्जरीज। नेसेसरीज मतलब जड़िया साड़िया बेसिक जरूरत ने, इन्हों की डिमांड इन इलास्टिक है। स्टूडेंट्स ये इन इलास्टिक वर्ड तुहाडे लिए नवा है। इन इलास्टिक का मतलब होंगे इन्हों की डिमांड चेंज नहीं होएगी, क्योंकि ये वो चीज़ा ने जड़िया कंज्यूमर किसी भी प्राइस से खरीदने लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये साड़िया बेसिक जरूरत ने। भावें वह महंगी हो भी कंज्यूमर इन्हों खरीदेगा, तो इन इलास्टिक मतलब इन्हों की डिमांड से कोई चेंज नहीं आएगा। कंफर्ट्स, कंफर्ट्स वो चीज़ा हो गई जड़िया कि आप अपने कंफर्ट लिए खरीदते हैं, जिमें कि मिल्क हो गया, साइकिल हो गया, ये वो चीज़ा ने जिन्हां दी परचेज डिपेंड करती है वो प्राइस से। जे वह प्राइस घटेगा तो वो डिमांड वधेगी, जे प्राइस वधेगा तो वो डिमांड घटेगी। हुण किस हद तक घटेगी, ये देखो लास्ट वर्ड आ रहा है इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी का मतलब होंगे बराबर का ही चेंज आएगा, जिन्ने परसेंट चेंज प्राइस से आएगा उन्ने ही परसेंट चेंज मतलब बराबर का चेंज उसकी डिमांड से आएगा। जे 10% प्राइस घटेगा तो 10% डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। लग्जरीज गुड्स, लग्जरी गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होंदी है, क्योंकि जे वो सस्तियाँ होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, तो जे वो महंगी होंगे तो लोग उन्हां चीज़ों काफ़ी घट खरीदेंगे। लग्जरी गुड्स वो होंगे जिहड़े कि आप अपने ऐशो आराम लिए खरीदते हैं। नैक्सट इज़ इनकम लैवल, जिन्हों की इनकम बहुत हाई है या बहुत लो है उन्हों की डिमांड लैस इलास्टिक है, मतलब उन्हों की डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि जिदी इनकम बहुत ज़्यादा है उन्होंने वैसे ही प्राइस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, जिदी इनकम बहुत घट है वो मसा तो अपनी जरूरत पूरी करता है, वह तो वैसे ही जरूरत का समान खरीद रहा है, तो उसकी इनकम से अगर कोई फर्क पै भी गया तो भी जरूरत का समान तो हर किसी चाहिए वो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जेडे मिडल इनकम ग्रुप वाले ने उन्हां दी डिमांड मोर इलास्टिक है, मतलब बहुत चेंज होंदी है। जे प्राइस घटता है तो वो डिमांड अपनी एकदम बढ़ा देंगे ने, तो जे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो मिडल इनकम ग्रुप वाले अपनी डिमांड घटा देंगे ने। नैक्सट इज सबसटीट्यूट्स, जेडे प्रोडक्ट से सबसटीट्यूट अवेलेबल है उन्हां दी डिमांड मोर इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि जे एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उन्होंने छोड़ के आप ऑल्टरनेटिव की डिमांड करनी शुरू कर देंगे। नैक्सट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, जड़िया चीज़ों की यूज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है उन्हों की डिमांड भी इलास्टिक मतलब चेंज होंगी है। तो जड़िया चीज़ों की यूज़ को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, अर्जेंटली सानू चाहिए ही चाहिए ने, बहुत जरूरी ने, उन्हों की डिमांड इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, मतलब उस अपनी डिमांड चेंज नहीं करा। तो जड़िया बेसिक जरूरत ने जिन्हों खरीदना बहुत जरूरी है उन्हों की भी डिमांड आप चेंज नहीं करा। नैक्सट इज कमोडिटी विद मोर यूजेस, जिमें मिल्क है, इदियाँ बहुत सारे यूजेस ने, इनू आप पीते भी हैं तो कर्ड भी बनाने, आइसक्रीम बना सकते हैं, मतलब मिल्क के यूजेस बहुत सारे ने, खीर बना सकते हैं, तो इन्हों की डिमांड जी है बहुत इलास्टिक होंगी है, क्योंकि जे सस्ता हो जाएगा तो असं इनू ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, हर परपजली घर यूज़ करेंगे, दही भी घर बनावेंगे, एक तो खीर भी बनावेंगे, पर जे दुध महंगा हो जाएगा तो असं उन्ना को खरीदेंगे जिन्ना को साडा ज़्यादा जरूरी है, जिमें पीन लई और टी बनाने लई। सो इहदी डिमांड जिन्हां वो प्रोडक्ट्स जिन्हां दे बहुत सारे यूजेस होंदे आ उन्हां दी डिमांड मोर इलास्टिक होंदी है, मतलब प्राइस नाल चेंज होंदी रहिंदी है। नैक्सट है हैबिट्स एंड फैशनस, जिहड़ियां चीज़ां साडी हैबिट दा पार्ट ने, जिवें कॉफी, टी, इन्हां चीज़ां दी जिन्हां नूं हैबिट है उन्हां लई ये चीज़ां दी डिमांड लैस इलास्टिक है, मतलब भावें प्राइस से फर्क पै जाए पर वह चीज़ों की डिमांड में चेंज नहीं करेंगे। तो जड़ी चीज़ा फैशन का पार्ट ने वो भी भावें उन्हों का प्राइस ज़्यादा भी होएगा तो भी लोग उन्होंने खरीदेंगे, तो उन्हों की डिमांड इन इलास्टिक है, चेंज नहीं होएगी। नैक्सट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, जेडे गुड्स ड्यूरेबल ने उसकी इलास्टिसिटी जी है इन इलास्टिक है, चेंज नहीं होएगी। मतलब मान लो रेफ्रिजरेटर सस्ते हो जाए तो कि असं एक बजाय घर से दो रख लेंगे? नो,
अगर कार सस्ती हो जाए तो कि असी एक की बजाय दो खरीद लाँगे, नो, इट मीनस प्राइस नाल इन्हां दी डिमांड चेंज नहीं होंदी। असी जिन्ना ये चीज़ अपने कोल जरूरी है उन्नी ही रखते हैं, उस तो ज़्यादा नहीं रखते। नैक्सट इज टाइम, शॉर्ट पीरियड के जिहड़ी डिमांड है लैस इलास्टिक है, मतलब उस ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता, तो लोंग पीरियड के जिहड़ी डिमांड है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लोंग पीरियड के साडा टे साडियां हैबिट्स बदल जांदियां ने। सो शॉर्ट पीरियड के डिमांड लैस इलास्टिक है, ज़्यादा चेंज नहीं होंदी, तो लोंगर पीरियड के डिमांड मोर इलास्टिक है, मतलब बहुत चेंज हो जाती है। नैक्सट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर होएगी तो डिमांड मोर इलास्टिक होएगी, क्यों, क्योंकि सारे फिर मिडल इनकम ग्रुप से आ जाएंगे, तो सारे मिडल इनकम ग्रुप वाले लोग की करते हैं, समान सस्ता हो जाए तो ज़्यादा खरीदते हैं, महंगा हो जाए तो घट खरीदते हैं। लेकिन अगर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होएगी, मतलब अमीर अमीर हो ही जा रहा होर ज़्यादा, तो गरीब होर ज़्यादा गरीब हो ही जा रहा, तो उस केस से नॉर्मल चीज़ों की डिमांड जी चेंज नहीं होएगी, लैस इलास्टिक हो जाएगी। दैन है रेंज ऑफ प्राइसिस, जेडे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ते ने, उन्हों की डिमांड से इन्ना चेंज नहीं आता, क्योंकि सस्ते तो पहले ही बहुत सस्ते ने, तो उन्नी की फ़र्क भी पैजे प्राइस से तो कोई बायर नू फर्क नहीं पैंदा, तो महंगे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वो खरीद रहे हैं जेडे रिच ने, तो अगर वो प्राइस से भी कोई फर्क पै गया तो अमीर बंदे नू इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जेडे विच विच वाले मिडल प्राइस वाले प्रोडक्ट्स ने उन्हों की जी डिमांड है वो मोर इलास्टिक है, वो ज़्यादा चेंज होंगी। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द elasticity of demand. So that's it for today, students. Thank you and have a nice day. और इस chapter दे sums दी practice भी कर लो, क्योंकि online class जे मैं तुहानू already इहदा method समझा चुकी हाँ, तो यदि पिछली theory सारी cover up करवा चुकी हाँ। Thank you.